मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। गाइस आज हम जा रहे हैं नंदा अष्टमी की, नंदा देवी की दर्शन के लिए। मैंने आपको बोला था उस पर ब्लॉग बनाऊंगी। ये मेरी पीजी वाली आंटी है, उनकी बेटी है, ये मैं हूँ, और ये इधर ये मेरी पीजी की मैं रहती है। और गाइस ये मॉर्निंग के 5:30 हो रहे हैं, तो मैंने बोला कि आपसे की लास्ट टाइम पर कि मैं ब्लॉग बनाऊँगी, नंदा देवी के दर्शन कराऊँगी। आज वो दिन आ गया तो हम लोग जा रहे हैं, तो मैं आपको सीधे जाके दर्शन कराऊंगी गाइस, क्योंकि इतना मॉर्निंग में है, देखो सारे लोग कैसे जा रहे हैं। और यहाँ पे मेला लगा हुआ है, यहाँ पे मेला लगता है, और ये देखो यहाँ से अंदर जाएंगे हम लोग। देखो सब लोग आदमी दर्शन करके आ चुके हैं। देखो गाइस ये रात निकाएंगे आपको। और बाकी मंदिर में जाके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे इतनी लंबी भीड़ लगी है माता के दर्शन के लिए, और अंदर बहुत ही खूबसूरत है माता मंदिर। और बाकी देख हम भी ये लाइन पे लगे हुए हैं। जैसे मैं अंदर एंट्री करूँगी तो वैसे मैं आप लोगों को दिखाऊँगी गाइस। और बाकी देखो मौसम भी बहुत ख़राब है, देख सकते हो पूरी हवा हवा चल रही है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग सुबह 4 बजे से आए हैं दर्शन के लिए, और इस लोग दर्शन करके जा चुके हैं। और हमारा नंबर आ गया है, हम मिलते हैं फिर अभी मंदिर में जाके दिखाएंगे तो अभी लंबी लाइन पीछे देखो। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी सारी भीड़ लगी हुई है, और सारे लोग सबने कितनी श्रद्धा से आए हैं। लोग यहाँ पे 4 बजे से लाइन पे लगे हुए हैं, और हम लोग तो अभी थोड़ी देर पहले ही पहुँचे, लेकिन नंबर आई गेस लगता है कि जल्दी आ जाएगा। बाकी देख रहे हो अंदर जाके दिखाते हैं आपसे आपको जाएगा। और अन्य विभागों से जैसे उद्योग विभाग है, अन्य विभागों से भी इसका हमें दर्शन कराया जाएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ पे सारे भक्त लोगों के स्लीपर रखने की के लिए सुविधा बनाई गई है, सारे जितने भी यहाँ पे दर्शन के लिए आए हुए हैं, और ये सब लोग अपना अपना फ़र्ज निभा रहे। तो गाइस देखो कितनी भीड़ है सुबह के 4 बजे से, गाइस यहाँ पे सारे लोग श्रद्धा से खड़े हुए हैं दर्शन के। दोस्तों ये इंतजार ख़त्म हो गया है, ये हम माँ के अंदर माँ के मंदिर के अंदर जा ही रहे हैं, जस्ट पहुँच ही रहे हैं। देख सकते हो आप लोग कि हमने एंट्री कर ली है। माँ की गाइस मैं आपको सारी पूजा के बाद दिखाऊंगी। भीड़ है दोस्तों मंदिर के अंदर, दर्शन करने के लिए खड़े हम लोग सब लोग, और बाकी मैं आपको फिर दर्शन करने के बाद पूरा दर्शन कराऊंगी आराम से, क्योंकि अभी हम लोग खड़े हैं। वो बत्ती जलाएंगे किसी मंदिर में, किसी मूर्ति के आगे उनके गेट के आप धूप बत्ती जला करें, जहाँ पे कैंडल है वहीं पे जलाएं। और एक बात निवेदन वो भी रहेगा कि जो हमारा मुख्य मंडप है उसके आगे ये मैं देखा हूँ बहुत सी मंडप तो दोस्तों ये माँ नंदा सुनंदा है जिनकी अपार शक्ति है। देखो कितने भक्त लोग इन पे इनसे मन्नत मांगने आए, कितनी श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं, तो आप लोग भी मन्नत मांग लीजिए। अभी लगा लिया पंडित जी से, और अब हम वापस जा रहे हैं। आंटी पूजा उजा कर ली है, दर्शन हो गए,
फिर मिलते हैं। वैसे मतलब मैं जा नहीं लूँगी, यहाँ पर बहुत भीड़ है, ठीक है, देख सकते हैं। तो गाइज ये देखिए मंदिर का बाहर से व्यूज़, ये इतना सुंदर दिखता है बाहर से देखिए, और इतनी भीड़ थी गाइज, मतलब लोगों की श्रद्धा देख के मतलब इतना अच्छा लग रहा था मंदिर में। सीरियसली आप लोग आइएगा, बहुत खूबसूरत मंदिर है और काफ़ी अच्छी तरीके से सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं इस मंदिर में। और गाइज ये व्यू देखिए आप, कितना सुंदर लग रहा है मंदिर से, बहुत खूबसूरत लगता है। और बाकी आप आके देख लीजिएगा खुद ही। देखो कितनी भीड़ है। आंटी वो कहाँ गई? हम दर्शन करके आ गए हैं आंटी और हम लोग। तो गाइज ये था इसका छोटा सा ब्लॉग, मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं नंदा देवी माँ का ब्लॉग बनाऊंगी नेक्स्ट में, तो ये आप लोगों के लिए था। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ों का ध्यान दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। इसे फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से।